बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे इंसान भी। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाल ही में पद्मावत के साथ उनकी फिल्म पैडमैन क्लैश हो रही थी, लेकिन संजय लीला भंसाली के कहने पर उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी रिलीज डेट 25 जनवरी से हटाकर 9 फरवरी कर दी। अब देखा जाए तो जहां इन दो फिल्मों के बीच क्लैश हट गया, तो वहीं अब पैडमैन का मुकाबला सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म अय्यारी से होने वाला है। जब इस बारे में हमने सिद्धार्थ से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कह दिया। हाँ, यह चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाला है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रिलीज डेट हमने घोषित की, फिर पैडमैन के निर्माताओं ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट बताई। इस स्थिति से पहले ही बचा जा सकता था, वे लोग दूसरों का सम्मान करते हुए अपनी रिलीज डेट रोक सकते थे। मुझे पैडमैन के निर्माताओं से यह उम्मीद नहीं थी, वे अपनी फिल्म को हमारी फिल्म के साथ रिलीज करेंगे, विशेषकर दूसरी बार। हमने सोचा था कि हम अपनी फिल्म अकेले रिलीज करेंगे। तो सुना आपने सिद्धार्थ ने कैसे अपनी भड़ास निकाली। वेल, अब इस पर अक्षय का क्या रिएक्शन आता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।